हेलो फ्रेंड, आखिरकार आपने इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे प्यार भरा मजबूर करा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दिखाऊंगा कुछ लोगों की डिमांड। ये सब डिमांड थी इस बुक को लेकर के। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट करा मुझको, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे परेशान करा, मतलब कि परेशान का मतलब ऐसा नहीं परेशान करा कि बिल्कुल ही मेरा जीना मरना सब दूभर कर दिया हो। तो देखिए, काफ़ी सारे बच्चों ने, मित्रों, मैं नाम नहीं लेता उनका, अब देख लेंगे अंदाजा कि मैं किसके और इशारा कर रहा हूँ। देखिए, इस वीडियो को इतना डिले बनाने का मेन रीज़न ये था कि इस पर व्यू नहीं थे, और इस चैनल पे जो 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए इस वीडियो पर व्यू नहीं आ पाए। मेन रीज़न ये भी था। और जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि वीडियो कंटिन्यू बने, तो उसके लिए आपको बस केवल करना है इतना कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है, ठीक है। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने स्टार्टिंग से ही मुझे कमेंट करे थे। अगर देखा जाए तो ये हैं, इनका नाम क्या, तीर्था, सोनी, एडीएम राइडर, दीक्षा, दीक्षा, मेघा। मेघा का दोबारा मैसेज आया था मेरे पास में कि सर वीडियो कंटिन्यू करो, अभिजीत, रिंकू, अभी पीसी, दीक्षा। देख लीजिए मैं किसके बारे में बात कर रहा था, किसका नाम ज़्यादा आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो देखिए, ये वीडियो कंटिन्यू होगा या फिर नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा अब आप पर। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर वीडियो पर व्यू नहीं आते, तो वो वीडियो ऑटोमेटिक स्पैम में पहुंच जाता है, या फिर ऑटोमेटिक वो वीडियो रिमूव हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत ख़राब हो। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो इस चैनल पर बना रहे ताउम्र, उस बच्चे के भी काम है जो आने वाले 5 साल बाद तैयारी करेगा या 10 साल बाद तैयारी करेगा, उसके लिए भी ये वीडियो काम आने चाहिए। मेरा मानना ये है कि वीडियो केवल एक टाइम बनता है, एक बार ही बनना चाहिए और परफेक्ट बनना चाहिए। तो चलिए, आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के साथ में। यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, और ये बुक को अपने साथ में लेके बैठ जाइए। हाइलाइटर्स अपने पास में रखिए, जो जो पॉइंट मैं आपको हाइलाइट करवाऊंगा वो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए, जो कॉस्मोलॉजी होता है वो क्या होता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नॉन एज कॉस्मोलॉजी। अब देखिए, एग्जाम में आपको इसकी डेफिनेशन तो खैर पूछ सकता है, लेकिन ये पूछेगा, इसका जो पूछेगा डेफिनेशंस, वो पूछेगा ग्रेड डी के एग्जाम में। अब हम बात करते हैं कॉस्मोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो कॉस्मोलॉजी बना है यूनिवर्स प्लस साइंस से। यूनिवर्स का मतलब कॉस्मोस, प्लस लोजोस मतलब साइंस। यूनिवर्स की कोई लिमिट है क्या? नो, द यूनिवर्स हैज नो लिमिट। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका रेलवे के एग्जाम में कि इसकी, उसमें क्वेश्चन ये था कि यूनिवर्स की लिमिट क्या है, अनंत है, कुछ ऐसी ऑप्शन थे। तो आप याद रखना इसको थोड़ा सा। आगे बात करते हैं गैलेक्सी के बारे में। ए गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम्स ऑफ बिलियन ऑफ स्टार विच आल्सो कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ गैस क्लाउड्स मेनली ऑफ हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट आइसोलेटेड इन स्पेस फ्रॉम सिमिलर सिस्टम्स। देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सी, ठीक है। गैलेक्सी की संख्या कितनी है, इतनी है। लेकिन एग्जाम में आपको जो फिगर देगा ये 10 की पावर 11 गैलेक्सी। चार ऑप्शन आपको बनेंगे ये। उसके बाद में हम बात करते हैं, सो द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स 10 की पावर 22 स्टार। ये पॉइंट अपनी बुक में आप हाईलाइट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। मिल्की वे गैलेक्सी वाज फॉर्म्ड 5 बिलियन ईयर आफ्टर द बिग बैंग, ठीक है। आफ्टर द बिग बैंग के बाद में क्या हुआ, मिल्की वे गैलेक्सी वाज फॉर्म्ड 5 बिलियन ईयर। ये है इंपॉर्टेंट, बात कर रहे हैं मिल्की वे की। ये याद रखना आप लोग, ये टर्म याद रखना, मिल्की वे 5 बिलियन ईयर आफ्टर बिग बैंग वाज फॉर्म्ड। अब देखिए, लेटेस्ट नॉन गैलेक्सी, अभी हाल ही में कौन सी गैलेक्सी जो आई थी, बहुत ही फेमस हुई थी, उसका नाम क्या, उसका नाम है ड्वार्फ गैलेक्सी। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, अब नहीं पूछा जाता, लेकिन ये एसएससी आपका 10+2 में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको याद रखना। बाकी जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या पता उनके सामने ये भी टकरा जाए। मतलब अगला पॉइंट हमारे सामने, ओरिजन ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सप्लेन बाय द बिग बैंग थ्योरी।
जो यूनिवर्स का जो ओरिजिन हुआ था, हम उसको किस टर्म के साथ में एक्सप्लेन करते हैं, किस सिद्धांत पे हम ये बताते हैं कि हाँ बिग बैंग थ्योरी कुछ थी, इसका जन्म कब हुआ था, इसका ओरिजिन कब हुआ था, तो वो थ्योरी क्या कहलाती है। एग्जाम में वो सब उस थ्योरी का नाम बताइए जिसमें ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हुआ था और उसने एक्सप्लेन करा था उस थ्योरी का नाम बताइए। तो वह आपका बिग बैंग फॉर्मुलेटेड एंड प्रपोज्ड ऑफ द बेल्जियन एस्ट्रोनॉट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्जियस लिमेटरी। द बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन दैट ऑकर्ड 15 बिलियन ईयर एगो, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज। स्टार थोड़ा पढ़ लेते हैं स्टार के बारे में। स्टार में हमको जो इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड याद रखना है वो रखना है लाइट टेक्स अबाउट 4.3 ईयर्स टू रीच फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है, इसको याद रखना। और इसका ईयर कितना है? 4.3 ईयर। बाकी और इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। अब देखिए आपको ये टेबल ना, ये जो इमेज है आपके सामने कंप्लीट, ये एज इट इज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये इमेज आपको एज इट इज माइंड में याद होनी चाहिए, किसके बाद क्या आता है और किसके बाद क्या नहीं आता है। सीक्वेंस कहीं पे नोट कर लीजिए, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपने 6th 7th 8th जो भी अभी एक आपके एकेडमिक रहा होगा वहाँ पे ये फिगर पक्का देखी होगी। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बढ़े आगे, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी मौका है, याद कर लो उसको। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है इसमें आपका प्लूटो इज ए किस प्रकार का प्लेनेट है आपका प्लूटो, तो वो है आपका डुवार्फ। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट, चलिए आगे कभी एमसी के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे ना, तब वहाँ पे चीज कवर हो जाएगी। आगे है सन के बारे में, इट्स डायमीटर इज 1.4 मतलब 14 लाख किलोमीटर, और कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 71%, याद रखना आप लोग। हाइड्रोजन सन में कितना होता है? 71%। हीलियम होता है 26.5% एंड 2.5 होती है अदर एलिमेंट्स। एग्जाम में आपसे पूछता है, प्रायोरिटी रखता है वो हीलियम की। अगर एग्जाम आपका स्टेट पीसीएस का है तो वहां पे आपसे पूछेगा हीलियम। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रेड सी की या फिर ग्रेड डी की, वहां पे परसेंटेज पूछता है आपसे। द सन में हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है? तो वो है आपका 71%। और मेन जो एनर्जी का जो सोर्स होता है इसके पास में वो होता है हाइड्रोजन। इट हैज ए सरफेस टेम्परेचर्स ऑफ अबाउट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए कोरोना क्या होता है, ये टर्म आपने सुनी होगी कई बार, तो ये टर्म है क्या? द आउटर लेयर ऑफ द सन एटमोसफेयर मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेस जो होती हैं, दिस इज कॉल्ड क्या? कोरोना। द प्लेनेट ट्रेवल्स विद द सन थ्रू मिलियंस ऑफ स्टार इन आवर गैलेक्सी एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 70,000 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 70,000 किलोमीटर पर आवर। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। सन कितना अवे है? 150 मिलियन किलोमीटर्स अर्थ से। लाइट एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर सेकेंड एंड टेक्स अबाउट 8.5 मिनट्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि सन की रेस को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, या फिर चंद्रमा, मून, सन, दोनों का टाइम आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं प्लेनेट के बारे में। द प्लेनेट देखते हैं क्या, देयर आर 8 प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ए 9th प्लेनेट जो था वो क्या हो गया? हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय नासा, नेम्ड एज कार्ला। जुपिटर इज द बिगेस्ट एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। देखिए अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम, आपका सोलर सिस्टम जो होता है, सोलर जो भी है आपका
वो सब चीज़ें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। एक अलग डेडिकेटेड आपका नोट्स बनना चाहिए इसको लेकर के, A4 पेज उठा करके अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो और उसका रिवीजन जरूर करना। जैसे कि आपको पता है कि आपके आने वाले एग्जाम में डेज से संबंधित कौन सी डेट को क्या होता है, युवा दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब बनता है, पृथ्वी दिवस कब बनता है, जैसे डेट को लेकर के एक एग्जाम में क्वेश्चन आपका कंपल्सरी होता है, तो वैसे ही सोलर सिस्टम में से एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आएगा। जैसे आपको पता होगा कि महात्मा गांधी हिस्ट्री में पक्का एक क्वेश्चन वहां से बनता है, उसी तरह से ज्योग्राफी में जो पार्ट है आपका सोलर वाला यूनिवर्स वाला, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो इसलिए तैयार हो जाइए। अगला पॉइंट है हमारे सामने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। द 8 प्लैनेट हैव बीन डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप। ऑल द प्लैनेट ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप हैव सम कॉमन फीचर। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और रॉकी प्लैनेट एंड जोवियन प्लैनेट्स एंड गैसियस प्लैनेट, मतलब जिसमें गैस होती है, एंड आर द 2 ग्रुप ऑफ प्लैनेट। द 4 प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, एंड बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द अर्थ, अगर अर्थ की तरह सिमिलर इसका स्ट्रक्चर है तो उसको क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे सामने, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। तो आपका ये प्लैनेट ये भी याद करना है आपको, एंड प्लैनेट ये भी याद करना है, टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या था, ये रीजनिंग में बनता है क्वेश्चन आपका, ठीक है। आपसे बोलेगा कि इसमें से ऑड छाटिए, आपको A B C और D में दे देगा आपका सैटर्न या दे देगा आपको जुपिटर। अगर आपको पता है कि इनर प्लेनेट कौन सा है तो आप तुरंत आप करेंगे कि इसमें जो ऑड है वो है आपका आउटर, मतलब जुपिटर, आप फाइंड कर लेंगे। तो रीजनिंग में SSC के में ये क्वेश्चन देखा गया है, इसलिए आपको ये चीज़ याद करनी है। जब नहीं कि रीजनिंग में ही पूछेगा, GS में भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो इसलिए आपको ये प्लीज़ इसको कहीं पर नोट कर लेना। मैं बढ़ता हूँ आगे अगले पॉइंट पे, मरकरी। तो मरकरी क्या है, सबसे ज़्यादा क्लोज है सन के, और मरकरी प्लेनेट हैज नो गैसेस, यहाँ पे कोई गैसेस नहीं है, तो क्लोज प्लेनेट टू द सन। वीनस, वीनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, विल्ड प्लेनेट, मतलब कि अनक्लियर कवर बोलते हैं इसको, अर्थ की बहन बोलते हैं इसको, ठीक है, और जुड़वा बहन बोलते हैं इसको। देयर इज नो सफिशियंट ऑक्सीजन ऑन द वीनस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस। द अर्थ, अर्थ कितने एक्सिस पर टिल्ड है, 23.5, 66.5 degree एंगल एक्सिस एंड 10 मिनट्स। हाँ, इट टेक्स 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.091 सेकेंड। ये फिगर रोटेट की जो होती है एक्सिस पर, ये आप याद करना एग्जैक्ट फिगर। एंड डेज की बात करी जाए तो दिस 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 डेज इसमें रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के पास चक्कर लगाने में उसको समय कितना लगता है, 365 दिन, 5 आवर 48 मिनट। नेक्स्ट, चलिए इसके साथ में, अर्थ इज नॉन एज क्या, वाटरली प्लेनेट बोलते हैं उसमें, इसमें जल है इसलिए, और इसको बोलते हैं ब्लू प्लेनेट, मतलब नीला ग्रह, क्योंकि उसमें पानी है, पानी कैसा होता है, नीला। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इट हैज गोल्डी लॉक जॉन। नेक्स्ट पॉइंट, मून डायमीटर 3475 किलोमीटर, एंड सेकेंड पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, इट टेक्स 27 डेज 7 आवर एंड 43 मिनट्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। द लाइट फ्रॉम द मून टेक्स 1.3 सेकेंड टू रीच द अर्थ, सन का टाइम एंड मून का टाइम, तो दोनों का ही टाइम आपको याद रखना है। एंड ग्रेविटेशनल पुल द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। The study of the moon is called selenology, and moon is also known as fossils planet. Next point, Mars. Iron-rich red soil and pink sky of Mars give it name red planet. Next point is Jupiter is the largest planet of the solar systems. Uranus. Uranus is about 4 times the size of the Earth.
Next point important है. Uranus is extremely cold, having surface temperature 190 degree centigrade minus. माइनस इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है आपने. एंड यूरेनस इज सराउंडेड बाय फाइव रिंग्स, नेमली अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन. तो ये जो नाम है फाइव रिंग के, फाइव रिंग के नाम आपको याद रखने हैं. एग्जाम में आपसे पूछता है कि वो कौन सा प्लैनेट है जिसमें रिंग है और कितने रिंग है, उसकी संख्या कितनी है. तो यूरेनस रिंग कितने हैं, फाइव. नेपच्यून इज द एट्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम्स. प्लूटो के बारे में बात करते हैं. प्लूटो इज नॉट ए प्लैनेट नाउ, अब ये कोई ग्रह नहीं है, ठीक है. अगस्त 24, 2006 डिक्लेयर दैट द प्लूटो वुड नो लॉन्गर रिमेन ए प्लैनेट. बस इतना इनफ है. नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा आपका. बिफोर लूजिंग इट्स प्लैनेटरी स्टेटस ऑन 24 अगस्त 2006, प्लूटो वाज द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम्स. ये डेट आपको एग्जैक्ट याद रखनी है बस इसकी, ठीक है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, अब ये टेबल आपको थोड़ा ध्यान से देखनी है. सम फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द प्लैनेट. जस्ट नेम ऑफ द प्लैनेट, मरकरी, अर्थ, मरकरी. डिस्टेंस, डेज. टाइम टेकन्स, डायमीटर्स ऑफ द प्लैनेट. मास ऑफ द, आपको इम्पॉर्टेंट तो ये मैं यहाँ पे कुछ स्किप नहीं करवा सकता, ये एग्जैक्ट आपको फिगर याद करनी है. अगर आप स्टेट पीसीएस तक की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको याद करनी पड़ेगी. अदरवाइज अगर आप केवल एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपको केवल केवल याद क्या करना है, इसके ग्रह कौन से हैं और इसका टाइम रोटेट करने का कितना है. तो मतलब कि आपको ये लिस्ट याद रखनी है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ग्रेड डी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिस्ट याद रखना. और याद रखना नंबर ऑफ सैटेलाइट, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे. ऑल एस्ट्रॉइड्स रोटेट ऑन देयर एक्सिस एवरी 5 to 20 hours. सर्टेन एस्ट्रॉइड्स मे हैव सैटेलाइट्स. कॉमेट्स, कॉमेट्स आर मेड ऑफ द फ्रोजन गैसेस विच होल्ड टूगेदर rocky and metallic materials. Its ice melt and the gas and dust is swept back into a tail. पीछे क्या होती है, इसकी एक टेल होती है. Features of the comet. A long luminous tail, मतलब एक चमकती हुई टेल होती है, इसमें उजाला होता है, which emits light. और बाद में क्या होती है, वो धुंधली पड़ जाती है. And when the comet travels close the sun, the ice melts to a head, या head of gas called a coma. Next, dust particles are also swept back to form a dust tail. Next is star. Star are heavenly bodies made up of hot burning gases, thus shining of their own light. According to NASA, Proxima Centauri is the closest star, मतलब close है stars to the Earth after the Sun, ठीक है, and it about 4.24 light years away. Next point will be facts about stars. There are 10^22 stars in the universe. This figure is important, most important, very useful for your exam. तो प्लीज स्टूडेंट, जितने भी पॉइंट मैंने आज के इस वीडियो में हाईलाइट करवा रहा हूँ आपको, वैसे ही पॉइंट आपको ने भी हाईलाइट करने हैं अपने नोट्स में. या तो बुक को लेके बैठ जाइए, बुक में हाईलाइट करिए, अदरवाइज अपने नोट्स अभी से तैयार कर लीजिए. इन आइदर हेमिस्फेयर ओनली 2000 स्टार आर विजिबल एट एनी गिवन टाइम्स. द अदर 2000 आर लोकेटेड इन द डे टाइम स्काई एंड द ब्राइटनेस ऑफ द सन रेंडर देम इनविजिबल. तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप टेलीग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, उन सभी के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करिए. क्योंकि देखिए, वीडियो को बनाने में तब मज़ा आता है जब देखने वाले अधिक हों, सुनने वाले ज़्यादा हों, फीडबैक देने वाले ज़्यादा हों,
और इस चैनल पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बहुत कम है। बस पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था हिस्ट्री का, उसको पॉज करने का मेरा रीज़न यही था। अब इस रीज़न को आपने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है, अपना प्यार दे करके वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है। बाकी आपको जैसे बेस्ट लगता है वैसे करिए। अगर आपको लगता है कि आप खुद पढ़ सकते हैं ये बुक, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता है कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप खुद भी बुक को पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि देखिए YouTube पे मुझे पता है कि आपने बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा होगा, उनके भी नोटिफिकेशंस आते होंगे, उनको भी फॉलो करते होंगे, और आपके पास पर डे का डाटा है केवल 1 GB, तो आप ये सब वीडियो चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन वीडियो तभी बनेगा जब इसमें कुछ फीडबैक पॉजिटिव आएगा। क्योंकि देखिए एक एक वीडियो को बनाने के लिए कम से कम दो दो ढाई ढाई घंटे खर्च होते हैं। आधे घंटे का वीडियो बनाने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे खर्च होते हैं, फिर उसमें टेक्निकल सेटिंग करनी पड़ती है, फिर जाके वीडियो बनता है। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, कब वो डेट टाइम डिसाइड करेंगे आप लोग। आपका कमेंट, आपका लाइक और आपका शेयर मुझको बता देगा मेरी रिपोर्ट में, जो मैं यूट्यूब की रिपोर्ट चेक करूँगा उसके माध्यम से, कि कितने एक्टिव थे कितने डीएक्टिवेट थे, मतलब कितने एक्टिव कितने पैसिव स्टूडेंट इसमें रहे हैं, वो सब मैं रिपोर्ट में देख लूँगा। देखते हैं आगे कब बनेगा वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगेन बोल रहा हूँ, कभी भी वीडियो वॉच करोगे मेरा इस बुक का, या तो A4 पेज लेके बैठना है अपने पास में, या फिर ये बुक, ठीक है? तब मजा आएगा वीडियो देखने में और पढ़ने में। और सिलेक्शन ऐसे ही होगा, आप सोच रहे हो कि केवल देख देख के बस केवल वीडियो को देख लिया, ना तो नोट्स बनाए ना बुक को हाईलाइट करा, और सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा वो वक्त बताएगा आपको, बट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पेन भी घिसना पड़ेगा, पेपर भी उठाना पड़ेगा, और बुक में हाईलाइट भी करना पड़ेगा आपको। थिंक अबाउट इट, जरा विचार करिएगा। सिलेक्शन ऐसे ही होता है, याद कर लीजिए अपने दोस्त को जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसने कितनी मेहनत करी होगी। बाय बाय, टेक केयर।